नमस्कार हमारे प्यारे बिल्ली भाई, अगर आप नया सीएससी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, एक नया सीएससी अपना खोलना चाहते हैं, डिजिटल सेवा के माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर चलाना चाहते हैं, तो आप सभी को बता दें कि पिछले 2 महीने से नया सीएससी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। लेकिन आज यानी 7 दिसंबर 2022 को ये रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया गया है। ये चीज़ आप आसानी से जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे प्रोसेस को चेंज किया गया है, बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, तो उन्हीं के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्या क्या है, अब कैसे नया सीएससी आवेदन किया जाएगा, क्या क्या बदलाव उसमें किए गए हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लगातार। मैं हूं रुदल राज, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल GIC एजुकेशन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी जन सेवा केंद्र का काम होता है, जिसमें ज़्यादातर हमको सर्विस CSC के द्वारा ही मिलता है, तो CSC का आईडी पासवर्ड लेने के लिए हमको क्या करना होता था। पहले हमको पता है कि एक TC होता है, TC का चालान हमको करना होता है, TC रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसका हम एक एग्ज़ाम देते हैं, क्वालिफाई होते हैं, तब जा करके अब CSC के लिए, नया CSC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी ये पुराना नियम था, अभी इस टाइम का क्या नियम है, इस टाइम भी सेम प्रोसेस है कि अगर आप नया CSC रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो पोर्टल पर जाएं, पहले TC का चालान करेंगे, TC का 1489 रुपये का पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपको टेक नंबर मिलेगा, टेक नंबर यानी टेक सर्टिफिकेट आप जब बनाएंगे, जब टेक का एग्ज़ाम देंगे, टेक सर्टिफिकेट हो जाएगा, उसके बाद आप CSC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब CSC अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स, नया प्रोसेस क्या है, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नया CSC अप्लाई करने का प्रोसेस ये है कि जो PCC होता है यानी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होते हैं, वो अब अनिवार्य कर दिए गए हैं कि जितने भी कॉमन सर्विस सेंटर संचालक होंगे या नए आईडी बनेंगी, उनमें PCC यानी कि पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र का देना जरूरी है। जब तक आप वो नहीं लगाएंगे तब तक आपकी आईडी जनरेट नहीं होगी, वो पेंडिंग ही पड़ी रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अप्लाई करने से पहले आपको अपने थाने से, नज़दीकी थाने से बनता है, या फिर अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो UP कोप एक एप्लीकेशन है, वहाँ पर जाकर के अप्लाई कर दीजिए। 50 रुपये चार्ज लगते हैं। उसके बाद अप्लाई कर देने के बाद 5-6 दिन के बाद आपका जो है वेरीफाई कर दिया जाता है और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका बन के आ जाता है ऑनलाइन। उसको डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद उसको स्कैन करके आप अपने पोर्टल पर अपलोड कर दीजिए। उससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपका जो प्रोफाइल है, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है, वो आपका सिक्योर हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब मजबूत हो जाएगा, जल्दी से आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं और अभी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ों को जो है सेम रखा गया है। जो पुराने रजिस्ट्रेशन में होते थे वो सारे चीज़ें जो है अभी इसी के तरह रखी गई हैं, अभी नई हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, अभी अपलोड का कोई सिस्टम तो नहीं दिया है PCC का, लेकिन रजिस्ट्रेशन करते टाइम ये, उससे पहले रजिस्ट्रेशन कराने से पहले ये सब चीज़ आप बनवा करके रख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल पुराने तरीके से ही हो रहा है, आपको TC का पेमेंट करना है, TC रजिस्ट्रेशन नंबर करने के बाद आपको TC का एग्ज़ाम देना है, TC क्वालिफाई होने के बाद आप CSC के लिए यानी कि register.csc.gov.in पे जा करके अपना CSC रैली के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, फिर उसके बाद स्टेटस चेक करेंगे, कुछ दिन बाद आपकी आईडी एक्सेप्ट हो जाएगी, तो आपके मेल पे आईडी पासवर्ड चला जाता है या एक्सेप्ट का एक मैसेज आ जाता है कि आपकी आईडी एक्सेप्ट कर दी गई है, वेलकम CSC फैमिली की तरफ से एक मैसेज आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल पुरानी ही की जैसी, जैसे पुराने लोग अप्लाई करते थे या हम लोग पहले अप्लाई जो किए थे करते थे, वही प्रोसेस अभी भी है, कोई नया प्रोसेस अभी बनाया नहीं गया है। तो लेकिन क्या क्या सावधानी बरती गई, क्योंकि CSC से बहुत काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं, CSC से बहुत काफ़ी ही मतलब भगदड़ मची हुई है CSC को लेकर के, तो इसलिए पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को अनिवार्य कर दिया गया है कि कहीं आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। क्रिमिनल बैकग्राउंड मतलब आपके ऊपर केस नहीं चल रहा है, आपका ही मार झगड़ा या फिर किसी केस में सम्मिलित तो नहीं है, इसलिए आपका पुलिस करेलेशन सर्टिफिकेट आपका होना ज़रूरी है, यानी कि पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, ये आपको बनवा लेना है और अपलोड यानी आईडी पासवर्ड जब बन जाएगा तो आप किसी भी सेक्टर में काम करना चाहेंगे, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो या फिर एजुकेशन सेक्टर हो या फिर किसी भी सेक्टर में काम करेंगे, तो PCC का होना ज़रूरी होगा, क्योंकि बिना PCC के आप अपना अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सब थी महत्वपूर्ण बातें। अब हम आपको बता रहे हैं कि इतना दिन बंद होने का रीज़न क्या है। बंद होने का रीज़न मुझे पहला ये दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा CSC अप्लाई हो गए थे, जिसको CSC को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, ये बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता था। अब एक दिन में कई कई लाख, कई कई हज़ार, कई कई करोड़ एप्लीकेशन उसके पास जाते थे, उनको छांटना ये रहता है कि किसका अकाउंट नंबर सही लगा है, किसमें डॉक्यूमेंट सही अपलोड किए गए हैं प्रॉपर तरीके से, है ना, जो कैंसिल चेकबुक है
वो अच्छे से लगा है कि नहीं लगा, तो ये सब कुछ वो छाटने में बहुत टाइम लग जाता है। तो उन्होंने देखा कि नहीं, हम इस साल अभी हमको क्लोजिंग करना है, मतलब अगले साल से फिर हमको नए सत्र से नए तरीके से और रजिस्ट्रेशन करना है, तो फिर अब क्या करेंगे, ऐसे ही अप्लीकेशन आते रहेंगे। तो इसलिए वो 2 महीने बंद किए, और उन 2 महीनों में जितने लोगों ने अप्लाई किया था उन सभी की आईडी आ गई है। अगर आपने अप्लाई किया है और स्टेटस अभी नहीं चेक किए हुए तो जाके अपना स्टेटस चेक कीजिए, आपकी आईडी आ गई होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपको कहीं भी किसी भी काम के लिए किसी भी डीएम या किसी अधिकारी या फिर किसी उच्च अधिकारी को कोई पैसा नहीं देना है, सीएससी आईडी के लिए या फिर किसी भी तरह की कोई भी आईडी बनवाने के लिए, ठीक है। क्योंकि अब जो राकेश जी हैं, जो नए सीईओ हैं सीएससी के, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप पैसा देंगे तो आपका नुकसान होगा, काम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जो काम होता है वो एक रूल से होता है, एक नियम से होता है, और उसी नियम पर सभी लोगों का काम होगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज़ के लिए, चाहे सीएससी जल्दी बनवाने के लिए, पीएमजी अप्रूव कराने के लिए, या फिर आधार के लिए, या फिर किसी भी चीज़ के लिए, जो बढ़िया बढ़िया सर्विसेज हैं, लोग पैसा देकर सोच रहे हैं जल्दी से बनवा लिया जाए, तो ये चीज़ें जो है आप अपना ध्यान रखिएगा कि जो नियम है, जो क्राइटेरिया है, जो डॉक्यूमेंट्स लगाए जा रहे हैं, जो मांगे जा रहे हैं, वो आपके पास है तो आप अपलोड कीजिए, बिना पैसे के ही आपके सारे चीज़ कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी सीएससी के लिए। नया सीएससी के लिए पोर्टल ओपन कर दिया गया, आप जाइए पोर्टल पे और अपना नया सीएससी एक रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर नहीं रजिस्ट्रेशन करना सीखना चाहते हैं तो कमेंट पे कर हमको कमेंट करके बताइएगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। A to Z सारा प्रोसेस हम आपको एक वीडियो बना देंगे, उसमें सारा कुछ लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखा देंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ। चलिए मिलते हैं, गुड बाय।